तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस के लिए ऑनलाइन फॉर्म किस तरीके से फिल करना है। तो देखिए, स्टेप वन है रजिस्ट्रेशन, स्टेप टू है फीस पेमेंट, स्टेप थ्री है अप्लाई ऑनलाइन। तो पहले हम देख लीजिए, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन पर आप जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके सामने ये पूरी की पूरी जो है आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सारी जानकारी भरनी है। इसमें आपको एप्लीकेंट नाम अपना भरना है, स्टार लगा हुआ है, और ये 10वीं के क्लास के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, स्पेस देते हुए इंक्लूडिंग स्पेसेस, मतलब जैसे 10वीं की मार्कशीट में स्पेसेस हैं वो बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसके बाद बात करें तो फादर नेम एज पर 10th सर्टिफिकेट, पापा का जो नाम है वो 10वीं की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। फिर आ जाता है मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल नंबर जो कि अभी आप करंटली चालू है वो आपको यहाँ पर डालना है। डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है, जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी हैं। और यहाँ पर आपको इन अगर आप मेल सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर आपको ट्रांसमैन या ट्रांसवूमन अगर आप हैं तो वो सेलेक्ट करना है। कम्युनिटी में आपको जो कम्युनिटीज आते हैं वो करना है, जैसे यहाँ पर अगर अंडरजब्स हैं तो अंडरजब सेलेक्ट करना है। और फिर यहाँ पर नए जो आरक्षण है EWS, उसको लेके कुछ जानकारी है कि EWS में आते हैं, अगर आते हैं तो यस कर दो, नहीं आते तो नो कर दो। वेदर EWS सर्टिफिकेट अवेलेबल फॉर अपलोड, अगर है तो यस कर दो। EWS की वैलिडिटी कब तक है, यहाँ पर आप उसको डाल सकते हैं, एक अभी 31 मार्च 2021 तक की वैलिड है तो आप वो डाल दीजिएगा। आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, यस नो नो। और यहाँ पर आपको PWD अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो अलग अलग कैटेगरी आ जाएंगी उसमें। फिर आ जाते हैं यहाँ पर सर्कल इन विच 10th क्लास पास, मतलब आपने जहाँ से 10th क्लास पास की हुई है वो सर्कल कौन सा है, वहाँ पर आपको ये सर्कल सेलेक्ट कर लेना है। और सर्कल सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर उसको सेलेक्ट करना है, जैसे यहाँ पर मध्य प्रदेश है तो MP सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको पासिंग ईयर सेलेक्ट करनी है, इस ईयर में आप पास हुए हैं। फिर यहाँ पर आपको फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो की अगर हम बात करें तो ये JPG फॉर्मेट में होना चाहिए और इसका साइज़ 50 KB या उससे 50 KB या उससे कम होना चाहिए, मतलब 50 KB ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डायमेंशन होना चाहिए 200x230 पिक्सल्स, ठीक है। फाइल फिर आपको सिग्नेचर अपलोड करने हैं और फिर आपको ये कैप्चा एंटर करना है और यहाँ पर इस पर टिक मार्क करना है और यहाँ पर भी टिक मार्क करना है। आई हैव स्टडीड एंड अंडरस्टूड द नोटिफिकेशन एंड फाउंड माई सेल्फ एलिजिबल फॉर अप्लाइंग टू दिस पोस्ट। इसके बाद आपको आई हैव क्लिक्ड एंड प्रीव्यू बटन, और इसके बाद आपको प्रीव्यू वगैरह करना है, यहाँ पर शो करके प्रीव्यू दिखेगा आपको, और इसके बाद आपको फाइनली सबमिट कर देना है। तो दोस्तों, कंप्लीट प्रोसेस करने के बाद आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देगी जिस पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका नाम, फादर का नाम और सर्विस नेम, मोबाइल नंबर, कम्युनिटी, ईयर ऑफ पासिंग, डेट ऑफ बर्थ, स्टेट ऑफ पासिंग, 10th क्लास वगैरह मिला होगा। तो चलिए अब आगे की प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पहली जो स्टेप है वो है रजिस्ट्रेशन और दूसरी स्टेप जनरल कैंडिडेट्स के लिए रहेगी पे ऑनलाइन, फी पेमेंट स्टेप टू रहेगी। तो हम पे ऑनलाइन पर क्लिक करते हैं। तो पे ऑनलाइन पर यहाँ पर आप देख सकते हैं द फी वंस विल बी बिल नॉट फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड, मेक श्योर दैट यू आर एलिजिबल फॉर अप्लाइंग टू द पोस्ट बाई मीन्स ऑफ एज एंड अदर क्वालिफिकेशंस बिफोर मेकिंग द फी पेमेंट। मतलब वो ये कहना है कि फी अगर एक बार आप सबमिट कर देते हैं तो वो रिफंड नहीं होगी, आप श्योर कर लें कि आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और सारी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी की जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करते हैं। ओके करते हैं और यहाँ पर हम अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, सारी डिटेल्स आ जाएंगी और नेट बैंकिंग के लिए हमारा 10 रुपया और क्रेडिट कार्ड के लिए 1% ऑफ द ट्रांजेक्शन अमाउंट लगेगा। तो अब हम लोग यहाँ पर अब प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पहले मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पर एंटर करूँगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर कर दिया है, मोबाइल नंबर भी मैंने मेरा आ चुका है, यहाँ पर नाम आ चुका है, कम्युनिटी आ चुकी है और अमाउंट आ चुका है 100 रुपीज़ का जिसको मुझे पे करना है। और ट्रांजेक्शन सर्विस चार्ज यहाँ पर नेट बैंकिंग के लिए 10 रुपया प्रति ट्रांजेक्शन लगेंगे, क्रेडिट कार्ड्स के लिए 1% लगेगा, डेबिट कार्ड्स के लिए कोई ट्रांजेक्शन शुल्क नहीं है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, आगे इसको ट्रांजेक्शन पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों, मैंने मेक पेमेंट पर क्लिक कर दिया है, यहाँ से मुझे ऑप्शंस आ रहे हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड प्लस ATM पिन, इंटरनेट बैंकिंग और वॉलेट कैश कार्ड। में वॉलेट कैश कार्ड पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं जो है
कोई सा भी वॉलेट, कैश कार्ड, एयरटेल मनी सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मेक पेमेंट पर क्लिक करता हूँ। तो एयरटेल मनी से मुझे पेमेंट करना है। ओके, तो यहाँ पर मेरा 101.77 यानी कि 1 रुपया 77 पैसा मेरा एक्स्ट्रा लग रहा है। यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर एंटर करूँगा और गो पर क्लिक करूँगा। तो दोस्तों, एयरटेल पेमेंट्स बैंक की इस फैसिलिटी का यूज़ करने के लिए आपको मोबाइल नंबर, एयरटेल पेमेंट्स बैंक में आपका जो भी रजिस्टर्ड है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। अगर आप चाहें तो अपने डेबिट कार्ड वगैरह से पेमेंट भी कर सकते हैं, तो ईजिली ये रहेगा कि आप इससे पेमेंट करें। तो चलिए, हम लोग एयरटेल पेमेंट्स बैंक से पेमेंट को, मैंने मोबाइल नंबर एंटर कर दिया है, मैं गो पर क्लिक करता हूँ। दोस्तों, मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपके सामने एक ओटीपी आपके जो नंबर है उस पर आएगा। वो ओटीपी आपको एंटर करना है, देन पे नाउ पर क्लिक करना है। तो चलिए, मैं ओटीपी एंटर करता हूँ और पे नाउ पर क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों, मैंने ओटीपी एंटर कर दिया है, अब मैं पे नाउ पर यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। तो चलिए, मैं यहाँ पर क्लिक कर, तो दोस्तों यहाँ पर ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको इस प्रकार का एक प्रिंट आउट मिलेगा, इसको आपको प्रिंट कर लेना है और इसको आपको वो जो है अपने पास रखना है। सर्विस नंबर, अमाउंट, नेम, रेफरेंस नंबर, मोबाइल नंबर, जेंडर, बैंक रेफरेंस नंबर, ये सब आपको डिटेल यहाँ पर मिल जाएंगी। तो पेमेंट पेमेंट एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपको यहाँ पर इसको प्रिंट कर लेना है। यहाँ पर मुझे फी आईडी वगैरह सब कुछ मिल चुकी है। पेमेंट एक्नॉलेजमेंट स्लिप को यहाँ पर मैं प्रिंट कर लेता हूँ। चलिए, प्रिंट के बटन पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों, पेमेंट करने के बाद आपको अब स्टेप 3 पर जाना है और यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करना है। अप्लाई पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके सामने इसको रीलोड करना है आपको, और यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पर सेलेक्ट सर्किल और इसके बाद आपको सबमिट करना है। तो चलिए, पहले मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करता हूँ, देन सर्किल को सिलेक्ट करता हूँ, देन सबमिट करता हूँ। सर्किल यहाँ पर अपना मध्य प्रदेश है और रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर मैं एंटर करके सबमिट करता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर कर दिया है, सर्कल को सिलेक्ट कर लिया है, सबमिट पर क्लिक करते हैं। दोस्तों, एक ओटीपी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ चुका है। ओटीपी को एंटर करेंगे, उसके बाद ही हम नेक्स्ट प्रोसेस पर आगे बढ़ सकते हैं। ओटीपी मेरे पास आ चुका है, ओटीपी को मैं एंटर करता हूँ और प्रोसेस को आगे बढ़ाता हूँ। तो दोस्तों, ओटीपी को एंटर कर दिया है, नेक्स्ट की बटन पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं तीसरे स्टेप में और यहाँ पर हमें फॉर्म को कैसे अप्लाई ऑनलाइन करना है इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो अप्लाई ऑनलाइन, ये जो तीसरी स्टेप है, फी पेमेंट के बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आता है और यहाँ पर मैं आपको पूरी डिटेल इसके बारे में देने जा रहा हूँ, तो पूरा आप लोग देखिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये यहाँ पर आपको दिखाई देगा। इसके बाद आपको कैटेगरी, फादर का नाम यहाँ पर आपको दिखाई देगा, नेम, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको यहाँ पर एंटर करना है और साथ में आपको यहाँ पर जो है आप एंटर करेंगे अपना ईमेल आईडी, यहाँ पर आपकी प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, आप क्या करते हैं ये भी आपको एंटर करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको आपका आधार नंबर और यहाँ पर ऑप्शन है, कैन यू राइड अ बाइसिकल, इस पर आप यस आपको करना है। अगर आप बाइसिकल चला सकते हो तो यस आपको करना है। वेदर एम्प्लॉयर एनओसी इज अवेलेबल, अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो क्या आपके पास एम्प्लॉयर का एनओसी अवेलेबल है, यस और नो, इसको भी आपको सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए, हम लोग यहाँ पर इन सभी डिटेल्स को फिलअप करते हैं और फिर मैं आपको इसके बारे में और जानकारी देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने अपनी डिटेल्स एंटर कर दी हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर मेरा पहले से यहाँ पर था, कैटेगरी मेरी EWS UR में है और इसके अलावा नेम, फादर, हस्बैंड का नेम जो भी होता है वो, इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर, प्रेजेंट ऑक्यूपेशन और कैन यू राइड अ बाइसिकल, यस, और वेदर एम्प्लॉयर एनओसी इज अवेलेबल, तो यहाँ पर क्योंकि मैं एम्प्लॉय अभी एम्प्लॉयमेंट में नहीं हूँ तो एनओसी इज अवेलेबल, इस पर मैं नो करूँगा और यहाँ पर PH नो। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। तो दोस्तों, दूसरे सेक्शन में आपको एड्रेस डिटेल्स फिलअप करना है, जिसमें आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आपको फिलअप करना है। और तीसरे सेक्शन में आपको आपके मार्क्स एंटर करने हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं आपको सिलेक्ट स्टेट ऑफ पासिंग 10th क्लास यहाँ पर सिलेक्ट करना है और बोर्ड को सिलेक्ट करना है, बोर्ड रिमार्क्स आपको सिलेक्ट करनी है और इसके बाद सिलेक्ट रिजल्ट टाइप और यहाँ पर 10th क्लास का सर्टिफिकेट नंबर और यहाँ पर आपको करना है एंटर, वेदर पास्ड इनकम कंपार्टमेंटल सप्लीमेंट्री डिटेल और इस पर आपको
यस नो करना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसको। तो दोस्तों थर्ड स्टेज में जो कि अप्लाई ऑनलाइन की स्टेज है, इस स्टेज में आपको जो है यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और सर्कल अप्लाइंग फॉर यहाँ पर आपको क्लिक करके सबमिट करना है। देन आपको OTP आएगा और आपको OTP के बाद एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है। और एप्लीकेशन फॉर्म भरना मैंने आपको बता ही दिया। इसके बाद आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स करना है और चूज़ प्रेफरेंसेस करना है। तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड में मैं आपको बता दूं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। वहाँ पर ऑप्शंस आपको आ जाएंगे जनरल कैटेगरी के लिए, मतलब सभी कैटेगरी के लिए 10th की मार्कशीट तो बिल्कुल ज़रूरी है ही। और इसके बाद अगर हम बात करें तो जो भी SC ST OBC से आते हैं उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ पर, और EWS वालों के लिए भी EWS सर्टिफिकेट, और कंप्यूटर के लिए आप कंप्यूटर डिप्लोमा वहाँ पर कर सकते हैं। और इसके अलावा जो भी आपका एलिजिबल सर्टिफिकेट है, अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो उसका सर्टिफिकेट, अगर आप जो है अन्य किसी कैटेगरी में आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको वहाँ पे अपलोड करना बेसिकली ज़रूरी होगा, जिसकी जानकारी आपको वीडियो में मैंने दी है। अपलोड डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन पर आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे आपको पूरी वहाँ पर डीपली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि क्या क्या डिटेल्स आपको फिल करना है। इसके बाद चूज प्रेफरेंसेस पर आपको क्लिक करना है, प्रेफरेंस चूज़ करना है। तो प्रेफरेंस चूज़ करने के बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। तो दोस्तों इस थर्ड स्टेज में हम लोग आ चुके हैं, और बेसिकली यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि आपको जो है प्रेफरेंस किस तरीके से चूज़ करना है। फर्स्ट आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर हम लोगों को एंटर करना है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और सर्कल यहाँ पर सिलेक्ट करना है, और सबमिट पर क्लिक करेंगे, और ऑटोमेटिकली आप जिस भी स्टेज को पार कर चुके हैं उस पर आपको वहाँ पर दिखाएगा। तो अभी हम लोग प्रेफरेंस चूज़ करना है आपको दिखाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग रजिस्ट्रेशन नंबर को एंटर करते हैं और सर्कल को सिलेक्ट करते हैं और सबमिट पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि OTP हमारे नंबर पर सेंड हो चुका है, और OTP के हम लोग यहाँ पर एंटर करेंगे और देन नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रेफरेंसेस के ऑप्शन में अभी हमारे लिए मैक्सिमम अलाउड ऑप्शंस 20 हैं, यानी कि हम लोग 20 पोस्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमने जो फी रिसिप्ट अभी जमा की है वो 100 रुपये, यानी कि एक ही जो है मतलब 5 पोस्ट के लिए जमा किए हैं, और यूज्ड ऑप्शन अभी हमें 0, मतलब एक भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया है, और अवेलेबल अभी 5 ऑप्शंस हैं। तो ओवरऑल देखें तो 20 पोस्ट को सिलेक्ट हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले 5 पोस्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, आफ्टर दैट हम लोग 5 5 करके ऐसे 20 पोस्ट को सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से हम लोग सिलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन डिटेल्स फिलअप हमने कर दी हैं, एप्लीकेशन डिटेल फॉर्म को फिल कर दिया है, डॉक्यूमेंट्स को भी अपलोड कर दिया है, प्रेफरेंस को भी चूज़ कर लिए हैं, 5 प्रेफरेंस अभी चूज़ कर लिए हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ कि 5 और प्रेफरेंस आप कैसे एंटर करेंगे। इस तरीके से आप करके 20 मैक्सिमम जो है प्रेफरेंसेस चूज़ कर सकते हैं। प्रिंट एप्लीकेशन पर हम लोग क्लिक कर चुके हैं, और एप्लीकेशन का जो प्रिंट है वो हमारे सामने है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ सेकेंड स्टेज में कि किस तरीके से अब आप 5 और प्रेफरेंस को ऐड कर सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखिए फीस पेमेंट का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको क्लिक करना है, पे ऑनलाइन पर क्लिक करना है और ओके पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और 100 रुपये की फ़ीस आपको पेमेंट करना होगी। तो चलिए हम लोग यहाँ पर, आपको फ़ीस पेमेंट का तरीका पूरा आपको पता ही है इसलिए मैं यहाँ पर आपको आगे ऑप्शन दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने फ़ीस पेमेंट कर दिया है, और फ़ीस पेमेंट करने के बाद अप्लाई ऑनलाइन पर जैसे ही क्लिक करा हमारे पास सामने प्रेफरेंसेस के ऑप्शन पर हम लोग आ गए। तो मैक्सिमम अलाउड ऑप्शन हमारे 20 थे, जिसमें से हम लोगों ने 5 पहले सेलेक्ट कर ली थी, 5 के लिए हम यहाँ पर अब सेलेक्ट कर सकते हैं, और 10 हमारे पास बचे हुए हैं। यूज्ड ऑप्शन हमारे 5 हैं और अवेलेबल ऑप्शन अभी 5 हैं, अभी 10 ऑप्शन और हम चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, और इसी तरीके से आप भी 20 पोस्ट को मैक्सिमम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने पोस्ट को 5 और सेलेक्ट कर लिया है, अब हम इसको सेव एंड प्रिंट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपको अपना जो फाइनल प्रिंट है उसको बहुत अच्छे से देख लेना है, कोई मिस्टेक तो नहीं है आपकी, क्योंकि अगर कोई मिस्टेक होती है तो ये आपको अफेक्ट कर सकती है एग्ज़ाम में, सॉरी एग्ज़ाम में नहीं मतलब सिलेक्शन में, आपको जो है यहाँ पे इसका जो है परेशानी इससे उठाना पड़ सकती है। तो इसलिए आप लोग अपने जो फाइनल प्रिंट है उसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। तो दोस्तों हमने अनदर 100 रुपये का पेमेंट कर दिया है, और यहाँ पर एक एक्नॉलेजमेंट, पेमेंट एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपको मिलेगी। CID, सर्विस नेम, अमाउंट नेम, रेफरेंस नंबर वगैरह आपको डिटेल में यहाँ पे सब कुछ दिया जाएगा। इसका भी आप एक प्रिंट ले लें अदरवाइज़, क्योंकि ट्रांजेक्शन अगर आपका फेल होता है तो ये आपको मदद करेगा आपका ट्रांजेक्शन रिकवर कराने में। तो इसका भी आप प्रिंट लेना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बेसिकली आपसे बात की है कि आप
अपने सिलेक्शन को किस तरीके से और बढ़ा सकते हैं। मतलब अगर आप जितनी ज़्यादा पोस्ट सेलेक्ट करेंगे आपके चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और 20 पोस्ट पर कैसे आप अपना प्रेफरेंस चूज़ कर सकते हैं इसके बारे में जानकारी दी है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।